सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं देन माई नेम इज़ गौरव एंड अभी मैं एक कैजुअल राइड पर निकला हूँ यूं ही बिकॉज काफ़ी टाइम से मेरे चूल मची हुई थी कि वीडियो अपलोड करना बट बिकॉज ऑफ सम टाइम बिकॉज ऑफ सम रीजन्स आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड द वीडियोज क्योंकि आई वर्क ऑन वीकडेज एंड आई डू ऑल द अदर स्टफ ड्यूरिंग वीकेंड्स, इसलिए कंसिस्टेंसी भी थोड़ी मेरी रह नहीं पाती है बट आई एम डेफिनेटली गोना ट्राई टू इम्प्रूव इट। सो राइट नाउ आई एम गोइंग जस्ट ऑन अ कैजुअल राइड। व्हाई एवरीबॉडी इज ब्रेकिंग रेड लाइट, लेट्स गो। सो दिस इज जस्ट गोना बी अ कैजुअल राइड। राइट नाउ द टेम्परेचर इन जयपुर इट इज 19 डिग्री सेल्सियस, सो इट्स नॉट दैट कोल्ड बिकॉज अभी जयपुर के अंदर पिछले दो हफ्तों से जो मौसम हो रखा था मतलब इट वॉज अमेजिंग। द टेम्परेचर वॉज अराउंड 6 to 7 डिग्री सेल्सियस और रात में तो शायद और भी कम हो जाता था। सो राइट नाउ द टाइम इज 5 PM इन द इवनिंग, सनसेट का टाइम मैंने अभी देखा था इट वॉज अराउंड 5:56 PM। फॉग अभी भी थोड़ा सा है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं वहां पर एंड आई कैन सी। सो टेक्निकली दिस इज गोना बी माय फर्स्ट व्लॉग ऑफ 2022। आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड एंड प्रीटी मच नर्वस एज वेल क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ वीडियोज अपलोड करने में। तो एवरी टाइम आई स्टार्ट व्लॉगिंग मुझे ऐसा लगता है क्या करूँ, बट जैसे ही कैमरा ऑन होता है व्लॉगिंग स्टार्ट हो ही जाती है। इट इज़ गोना टेक अस अराउंड हाफ एन आवर टू रीच आर डेस्टिनेशन। आई होप कि ऑडियो आ रही हो बिकॉज अभी कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा मेरे GoPro के अंदर इश्यूज आ रहे हैं। GoPro विच आई एम यूजिंग राइट नाउ इज Hero 8, इसमें दिक्कत ये आती है कि कुछ रैंडम क्लिप्स के अंदर ऑडियो गायब हो जाता है। अब वो ऑडियो इश्यूज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे GoPro का C port जो है वो ख़राब हो गया है। अभी आई डोंट नो इवन राइट नाउ द वॉइस इज रिकॉर्डिंग और नॉट, बट लप्पे में चला रहा हूँ मैं और बिल्कुल एंड में मुझे मालूम पड़ेगा वेदर इट इज रिकॉर्डिंग और नॉट। अरे व्हाट इज इट डूइंग, क्या कर रहे हैं भाई साहब आप? 4, 3, 2, 1 गो। मतलब एक जब तक ग्रीन लाइट होती है आधे लोग तो दूसरी तरफ पहुंच चुके होते हैं, जरा सा भी पेशेंस नहीं है। सो एज आई वाज सेइंग कि GoPro के अंदर मेरे कुछ ऑडियो इश्यूज आ रहे हैं एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द C port। मुझे लगता है C port खराब हो चुका है। मुझे नहीं पता कैसे खराब हुआ है, क्यों खराब हुआ है, बिकॉज बीन ओनली 1 year जब मैंने GoPro लिया था। अनफॉर्चुनेटली GoPro जो है उसके वारंटी पीरियड से भी बाहर आ चुका है, सो आई वुडंट बी एबल टू सेंड इट टू द सर्विस सेंटर। अब पता नहीं, आई ट्राइड टू कॉन्टेक्ट देम, दे शेयर्ड सम ट्रबल शूटिंग स्टेप्स विद मी, वी डिड नॉट हेल्प। अब मुझे ये समझ में नहीं आता GoPro इतना ज्यादा बिकता है इंडिया के अंदर, देन वाई दे हैव नो सर्विस सेंटर इन इंडिया। कोई थर्ड पार्टी है सेलर जो कि प्रोवाइड करता है ये सर्विसिंग इन दिल्ली? सो यार ये मुझे कुछ बात हजम नहीं होती बिकॉज GoPro इतनी बड़ी कंपनी है, इंडियन मार्केट इसका इतना ज्यादा है, उसके बावजूद पता नहीं भैया। सो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ एम आई गोना रिपेयर इट, बट सून इट विल बी डन। अरे 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 ओल्ड जयपुर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट गेट टू एंटर इनटू ओल्ड जयपुर। अमेजिंग, रेड लाइट पे भी चलने का मांगता है इन लोगों को। ओह इट इज गोना बी अ हेक्टिक राइड, ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहने वाला है बिकॉज इट इज द पीक आवर। दिस इज द सांगानेरी गेट ऑफ जयपुर और ये हम लोगों ने एंटर किया है जौहरी बाजार के अंदर। अब जौहरी बाजार को जौहरी बाजार इसलिए बोला जाता है बिकॉज जितनी भी शॉप्स यहाँ पर हैं वो सारी मतलब मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर रिलेटेड टू ज्वेलरी। दिस इज द ओल्ड जयपुर, वन एंड ओनली पिंक सिटी। तो पहले जयपुर जो है वो इन्हीं गेट्स के अंदर बंद हो जाता था, धीरे धीरे करते हुए जयपुर ने अपना पंख फैलाने शुरू किए एंड नाउ वी ऑल नो हाउ इट इज। एंड देयर इज अ फैक्ट अबाउट जयपुर सिटी दैट आई थिंक 1769 AD के अंदर ये सिटी जो है वो बिल्ट हुआ था और इसको बिल्ड किया था सवाई मान सिंह टू ने। और इसका फैक्ट, इसकी खासियत ये है कि दिस वॉज द फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया, मतलब पूरी प्लानिंग से बनाया गया था। आप जैसे कि देख सकते हैं कि कुछ भी इसके अंदर हम लोगों ने ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं सिवाय रोड वगैरह बनाने के। दिस इज द सेम सिटी विच यूज टू बी इन 1700। थोड़ा सा जोड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ है इसके अंदर बट दिस इज ऑल, दुकानें वही की वही बनी हुई है, ज्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, ये मेरा पॉइंट है। दैट ओवर देयर
इज़ वन एंड ओनली जिसको आप लोगों ने अपनी आइटिनरी या फिर पिक्चर्स या मूवीज या कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर देखा होगा। मतलब बेखौफ होकर के रोड कैसे क्रॉस करते हैं यार, मुझे समझ में नहीं आता कैसे पॉसिबल है। मतलब बिना देखे सिर्फ चलते रहना ज़ॉम्बीज की तरह। मतलब ये बात तो माननी पड़ेगी कि दैट इंडियन रोड्स आर सो अनप्रेडिक्टेबल। ये देखो तो अनप्रेडिक्टेबल दैट इस जल महल। अब इसको जल महल क्यों बोला जाता है ये तो आप लोगों को देखकर ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। सनसेट स्टार्ट हो गया आई थिंक। ऑल लेट्स टेक अ लेफ्ट फ्रॉम हियर। अब यूमर्स ये हैं कि कल से फिर से बारिश शुरू होने वाली है। बारिश यानी कि फॉग, फॉग यानी कि बहुत ज्यादा सर्दी। सो दिस, अच्छा मैं तो बताना ही भूल गया यार, ये दिस इज द प्लेस विच इज कॉल्ड नाहरगढ़। इतने दिनों से चूंकि मन कर रहा था कोई ब्लॉग डालने का, तो फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट ऑफ हियर। Mother of sweet God. And here comes our place. Let's do some off-roading then. जगह है जाने की। And this is me. Let me show you where we are. Wow. It's quite windy over here. And that over there is Jal Mahal, जैसा कि मैंने नीचे से दिखाया था, totally surrounded by water. पहाड़ भी नहीं दिख रहे हैं. अरे that is Jaipur city, जो कि नहीं दिख पा रहा है because of the fog. So this looks great, right? सनसेट वहां पे होता हुआ ऑलमोस्ट हो चुका है। एंड दिस इज मी। सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम जस्ट गोना बी कीपिंग माय गोप्रो ओवर देयर, एक टाइमर्स लगाते हैं एंड जस्ट एंजॉय द व्यू।